देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के अंतर्गत हरफरी से खैरा MPRDC विभाग की PQC रोड का निर्माण उदय इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड रीवा द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण का आरोप है कि कई तरीके से मटेरियल डालकर रोड निर्माण नहीं किया जा रहा है। सूखा सीमेंट साला रोड में डालकर रोड बनाई जा रही है। पानी कम होने की वजह से रोड में अच्छी पकड़ नहीं होगी, जिसकी वजह से रोड जल्द क्षतिग्रस्त हो जाएगी एवं रोड से पानी का छिड़काव भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उदित इंफ्रा कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर सोमपाल सिंह परिहार से रोड में सही तरीके से मटेरियल नहीं डाले जाने को लेकर बात किया गया, तो उनका कहना था कि हम अपने तरीके से काम करेंगे, चाहे कोई कहे काम करने का तरीका मेरा गलत है। सिंगरौली से भारत न्यूज संवाददाता कंचन द्विवेदी प्रदीप तिवारी की रिपोर्ट। देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आज हम सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के कोरसर में आए हुए हैं। कोरसर ग्राम पंचायत में रोड का निर्माण हो रहा है, जो कि हरफरी से खैरा MPRDC के तहत रोड का निर्माण हो रहा है, जो उदित इंफ्रा कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही घटिया मटेरियल से जो है निर्मित इस रोड को बनाया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण जो है तमाम इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर रोड बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं। ये ग्रामीण है, इनके हाथ में डंडा है, इस रोड से नाखुश होकर इस रोड का काम बंद कराने के लिए आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है इस रोड में, क्या कमी है। तीन बजे भोर से लगे हैं उसे सारा सूखी DLC डाल के बिगोसी बना रहे हैं उसको, और ये करने में हम बोलते हैं कि हम करेंगे, जाओ जो करना हो कर लो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अकेले वहाँ मार भी नहीं सकते हैं। देखिए, इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि सूखा माल जो है डाल के और रोड बनाया जा रहा है, जबकि इसका बेस कल बनाया गया था और आज ही इस पर रोड बनाया जा। आप देख सकते हैं यहाँ जो सरिया लगी है, वो सरिया पूरी तरह से मुड़ी हुई है। ये सरिया मुड़ा होने की वजह से इस रोड में पकड़ नहीं बनाएगी, जबकि इस सरिया को सीधा करना चाहिए था, लेकिन सरिया आप देख सकते हैं पूरा रोड जो है सरिया मुड़ी हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं रोड क्रेक है और उसी पर यहाँ की सरिया भी जो है ये मुड़ी हुई दिख रही है। यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि जहाँ ये रोड का जो निर्माण हो रहा है वो काफी घटिया तरीके से किया जा रहा है। हमारे साथ और ग्रामीण बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। हाँ, कल यहाँ पर DLC हुई है और रात में रोड बनाई जा रही है, जो कि इतना घटिया तरीके से, न इसमें गिट्टी डाली गई है नीचे, जो बेस पड़ रहा है बेस नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है काम, और इस पर मिट्टी पर डाल रहे हैं, रोड बना रहे हैं। कहने पर लोग यहाँ के तमाम कर्मचारी आते हैं, भैया ठीक है और इस तरह बना रहे हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। MPRDC का ही रोड है, जो कि हर जगह अच्छी रोड बनी है, यहाँ पर बिल्कुल खराब घटिया रोड बन रही है, जो कि रोड फटी जा रही है, दबी जा रही है, गिट्टी बाहर है, इसका कोई न सिंचाई होता है न कुछ होता है, इस तरह से रोड बनाकर ये लोग निकल रहे हैं। देखिए, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो रोड का निर्माण हो रहा है काफी घटिया तरीके से किया जा रहा है। यहाँ जो मसाला डाल दिया जाता है उसमें पानी का मात्रा नहीं डाला जाता है, जिसके वजह से रोड में पकड़ हो सके। सरिया के बारे में अगर आप देख सकते हैं कि पूरी सरिया मुड़ी हुई है, सरिया को सीधा नहीं किया गया है, जिसके वजह से रोड की लाइफ बहुत कम होगी। तमाम ग्रामीण बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। क्या समस्या है इस रोड को लेकर, क्या समस्या हो रही है जिसके लिए यहाँ तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। जैसा देखने में मिल रहा है कि इनके हाथ में डंडा है, यानी काम बंद करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। क्या ऐसी समस्या जा रही है इस संबंध में, आप क्या कहना? काम बंद करने के उद्देश्य से आए हैं, काम बहुत घटिया किस्म से हो रहा है, काम में कोई अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। देखिए, इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि इस रोड का जो है जो निर्माण किया जा रहा है उदित इंफ्रा कंपनी के द्वारा, वो बहुत घटिया तरीके से किया जा रहा है। आगे भी आप देख सकते हैं तमाम यहाँ जो सरिया लगी हुई है रोड में, वो पूरा मुड़ी हुई है, उसको सीधा नहीं किया गया है। और कोरसा ग्राम पंचायत में एक नाला में पुल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, उसी में मसाला ले आकर गिरा दिया जाता है, जिसके वजह से पानी होने की वजह से वो मसाला बह जाता है और उसमें पकड़ नहीं बनती। कल अगर अपनी बात करें तो कल हमारा इस यहाँ के PM से जो है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है परिहार जी, उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना था कि ये हम अपने तरीके से काम करेंगे, जो मेरा तरीका है उसके उस तरीके से ही काम करेंगे, जिसको जो बोलना हो बोलते रहें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना था परिहार साहब यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये जो है सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील में खैरा हरफरी से खैरा MPRDC की रोड का निर्माण हो रहा है, जो काफी घटिया तरीके से किया जा रहा है। कैमरामैन कंचन द्विवेदी के साथ
मैं प्रदीप तिवारी, भारत न्यूज टीवी, सिंगरौली। देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। गजेंद्र गुर्जर के साथ नमस्कार।